वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरु राज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, भक्ति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये भक्ति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। भक्ति भी इतनी आसान नहीं है, इश्क नहीं आसान, आसान नहीं है भगवान से इश्क लगाना कि भक्ति में रम जाना, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। आसान नहीं है, बहुत बहाने होते हैं हमारे पास जब हमें कोई चीज दूर लगती है या रुचति नहीं है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे हो जाते हैं, और हमें कोई काम रुचता नहीं है तो ठंड हो जाती है, परीक्षाएं निकल आती हैं, शादियां आ जाती हैं। पर ध्यान रखना, शादी तो रिश्तेदारों के यहाँ हर साल आती रहेगी, डेचा में पंच कल्याणक 50 साल तक आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। प्रभु ने कृपा की तो 2-4 साल में भी आ जाए, और न आए तो 1000 साल में भी। कोई इतिहास नहीं है कि यहाँ कभी पंच कल्याणक हुआ था। एक पक्की बात है कि जिन महान शावकों ने ऐसे सुंदर मंदिर बनवाए हैं, वो प्रतिमा विराजित की है, उनने पंच कल्याणक जरूर किया होगा, लेकिन पता नहीं कितने वर्ष पहले किया था। और आज वो अवसर आया। गांव में बैठ करके भक्ति पूजा कर लेना आसान होता है, तीर्थ पर जाकर की भक्ति करना। भाग्यशाली हैं ओबरी वाले श्रावक, बागड़ के श्रावक और सहयोग में जो जुटे हुए हैं कि मुंह अंधेरे उठ करके, और जब लोग रजाई से बाहर निकलने के लिए डरते हैं, बहाने करते हैं, तब तक वो यहाँ मंदिर में पहुंच जाते हैं, मंडप में पहुंच जाते हैं। लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन आप लोगों की भक्ति तारीफ के काबिल है। एक महोत्सव देखा था आप सबने बागौल में, वो भी टोटल जंगल, और फिर भी श्रावकों ने क्या श्रद्धा भक्ति समर्पण से कार्य किया कि हर रोज हजारों लोगों ने धर्म लाभ लिया, जिन दर्शन की, जिन प्रभु की महिमा को समझा। जंगल में भी मंगल मंगल हो गया, उनके पास तो केवल इतना एक ही जिनालय था, और इतनी महिमा कर ली, आपके पास तो दो दो जिनालय हैं, तीसरा गुरु मंदिर है। आप भी कम नहीं हैं, कर ही रहे हैं। भाग्य अपना अपना, लाभ कौन ले रहा है, कितना ले रहा है, इसे बोलते हैं। सामने से कोई सदस्य नहीं मिला, बोली तो आगे बढ़ गई, लेकिन समझ में नहीं आया किसका नाम है, तो धवल ने अपने परिवार का नहीं लिया। कहीं नहीं जा रहा है, एक तो शाश्वत बैंक में जा रहा है, जब भी मिलेगा डिपॉजिट सहित ब्याज सहित कई गुना होके मिलेगा। और इतनी समझ सब में हो जाए ना, 4 चांद लगेंगे। ये समझदारी का काम हुआ। चाहते तो किसकी है, किसने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, इसने तो बोला ही नहीं, चाहे तो अभियार बखेड़ा पड़ा, और नहीं तो यह सौभाग्य हमारे लिए मिला है। बहुत लोग होते हैं बड़ा सारा दान करने के बाद भी ऐसे बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, ऐसे नहीं बोलते,
ये सौभाग्य मेरे को मिला, ये सौभाग्य मिला है। कोई अगर थोड़ी सी हिम्मत करता, मेरे से आगे चला जाता, मैं रह जाता, तो ये तो सौभाग्य की पल है ज्ञानी। किसी किताब में लिखा जाए, शिलालेख में लिखा जाए, ना लिखा जाए, लेकिन आपके कर्म पट्ट पर जरूर लिखा जाएगा कि इन श्रावकों ने जंगल में जाकर के भगवान का पंच कल्याण महोत्सव किया। वो राम लक्ष्मण सीता जी की कहानी आज भी जिंदा है। दंडक वन में श्री राम वनवास पर थे, लक्ष्मण जी वन भ्रमण पर थे, सीता जी ने वन के फलों से कुछ सामग्री तैयार की थी भोजन के लिए, और तभी मन में आया कि कोई तपस्वी मिले, कोई मुनिराज पधारे तो आहार दें, और आहार दे करके फिर आहार करें। धर्मी के काय धर्मी, धर्मी लाल, धर्मी के धर्म सदा ही मन में, धर्मी के वो एक गीत है, राम सिया जाए बसे दंडक वन में, और फिर भी आहार देने की भावना। जैसे घर में चौका लगा करके आहार देना बहुत आसान है, और दूसरे के घर में घुस करके आहार देना और आसान है, और आसान है, कुछ ही नहीं करना है। मंदिर के कपड़े पहनो और किसी के भी घर में, वो पाकिस्तानी आतंकवादी, खैर अपन इतनी बड़ी पदवी तो नहीं दे सकते, आप इस लायक नहीं है। लेकिन घुस बैठिए तो बोल ही सकते हैं, और जब एनआरसी लगेगी ना तो ऑपरेशन बराबर होगा, ये आदमी घुस बैठिया है, इसको पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, इसने कुछ नहीं किया था, किया था मुग दादी ने, और ये जाके सिर्फ घुस गया था। तो अपने घर में चौका लगा करके आहार देना एक बार आसान है, लेकिन जंगल में भी जाकर के और चौका कोई लगाए वो बड़ा भाग्यवान है। सबसे पहले इसके लिए हिम्मत लगती है कि क्या होगा। हम ऐसे दो चार श्रावकों को जानते हैं जो आज भी संघ की सेवा में जुटे हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन और भी ऐसे दो चार श्रावक हैं कि गिरनार की पहली टॉप पर 4000 सीढ़ी चढ़ करके चौका लगाया। मुंबई के नेशनल पार्क में जंगल में बीच में जाके चौका लगाया है। सबसे पहले लगता है उसके लिए जिगर, उसके लिए दाल भात चावल बाद में लगता है, पहले लगता है बाबा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, यहां तो ऐसा कोई भारी जंगल नहीं है, जरा से भी हिम्मत करते तो श्रावक 2500 चौके खड़े कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी हिम्मत करने वालों ने की है, 15-17 हैं। तो जैसे घर में चौका लगा के आहार देना आसान है, वैसे ही गांव के मंदिर में भक्ति अर्चा लेना आसान है, और जैसे जंगल में जाके आहार देना, मुनिराज की सेवा करना कठिन काम है। रोज रोज विहार हो रहा है। एक त्रिलोक जी गोदा है जयपुर के, अच्छे भक्त हैं, लंबा विहार करवाया शिखर जी के लिए, अभी तो 5-7 सुश्रावक निरंतर सेवा में उपस्थित हैं। तब वो और एक उनके साथी रतन लाल जी, काका जी, और ठेठ टीकमगढ़ से कहिए शिखर जी तक पूरे बड़े संघ की सार संभाल कर। तब एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये तो सब गुरुदेव की कृपा से पार पड़ गया, नहीं तो हर दिन नया घर बसाना बहुत मुश्किल काम होता है। हर दिन नया घर बसाना, जितने जगह चेंज होगी हर दिन नया घर बसाना है। फिर भी गुरु महाराज की कृपा और भक्ति से सब संपन्न हो गया। तो सबसे पहले लगता है दिल, श्रद्धा, समर्पण, जज्बा,
हम करेंगे, होगा। बोलो कितने बार सोचना पड़ा कि यहाँ होगा कल्याण महोत्सव कि नहीं होगा, फिर भी हिम्मत बनाई आप लोगों ने, मुनियों ने प्रेरित किया और आज धूमधाम से हो रहा है। हर हाल हर समय तो देखो इतना बड़ा मंडप नहीं भरा रह सकता, तुम आशा करो कि हर समय भरा रहे। तो कल शाम को पूरा भरा था, रात को आधे से ज्यादा भरा था, हैं? और अभी अभी तुमको ही ठंड लग रही है और लोगों को भी तो लगती होगी। 24 घंटे नहीं भरा रहता, लेकिन भरता है, और भरता है जिसका पुण्य का खाता भरता है वही मंडप में भरता है, वरना बाहर डोलता रहेगा अंदर नहीं आ पाएगा। जबकि खुला निमंत्रण है, कोई भी आओ आराम से बैठो, भक्ति का लाभ लो। वहां राम लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण जी वन विहार पर गए हैं, श्री राम राम फल लेकर के आए हैं, सीता ने जो फल पाए वो सीता फल कहला रहे हैं, और फिर मुनिराज आकाश मार्ग से आ भी गए। कैसे नहीं आएंगे महाराज, बोलो रमण लाल जी, कैसे नहीं आएंगे? जब दिल से सबरी ने बुलाया तो राम को आना पड़ा, चंद्रा ने बुलाया तो महावीर को आना पड़ा। अरे दिल से मन से कुछ भी इच्छा करते हैं, सोचते हैं काम, तो सोच पक्की होना सबसे पहले, सबसे पहले तो सोच पक्की होना। हम मोक्ष मार्ग पर बढ़े तो भी हमारी विचारधारा, हमारी सोच पक्की होना। किसी गृहस्थी संबंधी कार्य को करें तो भी, और चाहे धार्मिक प्रोग्राम्स को करें तो भी, यही होगा सफल होगा। होता जंगल में वो आहार दान दिया जो आज भी पद्म पुराण में लिपिबद्ध है, गिनती के उदाहरण है। ऐसे ऐसे ही जंगल में जाके महामहोत्सव किया, ये भी ऐतिहासिक घटना है। वे पुरखे भी आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे, जिन लोगों ने मंदिर बनवाए और फिर ये मंदिरों का जीर्णोद्धार आपने कराया और इतना बड़ा महोत्सव कर रहे हैं, पंच कल्याणक महोत्सव। श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान पंच कल्याणक, श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ, यही है नहीं मनती ना। श्रीमान है जिनेन्द्र भगवान, उन्हारे हमारे थोड़े मोड़े धन संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत गुणों की संपत्ति उन्हें प्राप्त है, परम शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो गए हैं, तो शाश्वत दशा में विराजे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लाख दो लाख दान करने वालों की उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम ही अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं, जिनालय वगैरह बना करके उनके जिन बिंब विराजित करते हैं और पुण्य लूटते हैं, वो तो सिद्ध हो गए। श्रीमत है, श्रीमान है, अंतरंग वैरंग लक्ष्मी है, असल का समोषण जब रचता है ना तो देवता भी चौंधे आ जाते हैं कि हो इतनी बड़ी ऐसी विशाल इतनी सुंदर रचना। अभी प्रश्न आया ना, रत्नों की वृष्टि होती है 15 माह तक, और कहीं उल्लेख आता है कि दिन में 3 बार होती है और कहीं उल्लेख आता है कि 4 बार होती है, और हम दोनों भी उल्लेख मान लें तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि देवताओं को रत्नों की कोई कमी नहीं। 3 बार वर्षाएं की 4 बार वर्षाएं की दिन भर बरसाते रहे, उनको कमी पड़ने वाली नहीं है। यूं भोजनशाला का टाइम कितने बार का होता है, बोलो बोलो बोलो, 2 बार का होता ना सामान्य, तो 2 बार भाई, सुबह का भोजन शाम का भोजन, और फिर अपन एक और जोड़ देते हैं, क्या कितने बार वृष्टि हो गई भोजन की, 3 बार, और टाइम बे टाइम और कोई घुस गया आधी रात को तो वो भी। नाश्ता करके आया कि थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि अभी ताजा पकौड़ी बनी है, वापस घुस जाता है। तो अपन
इसको समझें कि अगर दो तरह के उल्लेख मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, संभव है। और जब दो बातें बड़े आचार्य कहते हैं तो हम उस पर बहुत ज्यादा निर्णय लेने के अधिकारी नहीं है, फिर हम यही कहेंगे कि ये सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। जब तक पूरा प्रमाण नहीं मिलता है तब वीरसेन आचार्य धवला में कितने बार घोषणा करते हैं कि अगर दो मत मिल रहे तो मैं एक को सत्य दूसरे को असत्य नहीं कह सकता। इस मामले में वीर सेनाचार्य की जिभ्या नहीं हिल सकती, और ये तो एक बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये पक्का है कि रत्नों की भारी वृष्टि होती है। 3.5 कोटी रत्न एक बार में बरसते हैं, और बरसते ही होंगे। अभी यहाँ कुबेर महाराज बरसा रहे हैं रत्न, कहाँ है कुबेर महाराज? अब ऊपर मत आओ, ठीक है? रत्न बरसाए कि नहीं आपने? ऐसा जब यहाँ के श्रावक और कुबेर बन करके अपनी हिम्मत से हैसियत से कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं, रत्न वृष्टि कर रहे हैं, तो फिर उनकी तो क्या बात करना है? रुपया नहीं, एक कागज के टुकड़े वाला सिस्टम है, भले वो सिक्के हो और भले चांदी के सिक्के हो, मतलब जो बरसे से बरसाए जा सके ऐसी चीज होना चाहिए। और सोने के सिक्के हो, एक बार तो बोली दो कि हो सकता है कि मैं सोने के सिक्के बरसाऊंगा, और तब बरसाऊंगा जब एक मंडप ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी ऐसे उत्सव की भूमि की तो चुटकी भर मिट्टी भी ले जाओ तो वो भी सोने से कम नहीं होती। मंत्रों का जाप हो रहा है, साधुओं की तपस्या चल रही है, और निरंतर पूजा विधान की ध्वनि गूंज रही है। परम पवित्र वातावरण है। एक जिसने ये भूमि आप लोगों को उत्सव को दी है, वो क्या पैसा लेगा क्या ना लेगा उसका महत्व तो नहीं है, लेकिन जो इसमें फलेगा ना वो बटोर नहीं पाएगा, और उसे ज्यादा पाएगा स्वाभाविक। पहली बात ये हो गई कि रत्न खूब बरसते हैं, 10.5 करोड़ 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। और दूसरी बात, सिंहासन कंपायमान होता है कि ज्योति प्रकट होती है। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रसिद्ध है सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे राज बंसों ने भ्रुबटी तानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। सिंहासन हिल उठे का मतलब है कि कोई विशेष कारण बनता है तो हाँ। सिंहासन बहुत संभव है कि सिंहासन में कंपन हो। हिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम पीछे से एक आदमी को खड़ा दो और इतना जोर से हिला दे कि सौधर्मेंद्र ही हिल पड़े। कभी कभी तो ये जो कलाकार होते इतना जोर से हिलाते कि दुबला पतला सौधर्मेंद्र हो तो लड़क ही जाए, लेकिन यहाँ के सौधर्मेंद्र दमदार मालूम पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ कंपन होता है, आप ऐसे कंपन मानो जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन, बराबर। एक व्यक्ति दूर से आपका नंबर मिला करके, आप विधान में बैठे हैं, पंचकलंक में बैठे हैं, आपने वाइब्रेट मोड पर छोड़ रखा है मोबाइल, और जब वो यूं नंबर मिलाता है आपका मोबाइल फुदकने लगता है। पंडित जी का मोबाइल फुदक रहा है क्या? आपकी मोबाइल की दुकान है क्या? लाइन से रखे हुए? अगर किसी का मोबाइल पर आएगा आपका, तो अभी ये कूदने लगेगा, कूदेगा, हल्का हल्का हिलेगा,
वाइब्रेशन होता है। जब कोई नंबर मिलाता है और आपके मोबाइल में वाइब्रेशन होता है तो तीर्थंकर भगवान महान पुण्य प्रकृति लेकर के जन्म लेते हैं, तो सौधर्म इंद्र के सिंहासन में वाइब्रेशन होने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं। वाइब्रेशन होता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी ने कहा कि मेरे हाथ में खुजली चल रही है, मेरी आंख फड़क रही है, हैं? तो बोले कोई आने वाला है, मंगरे पर कौआ बोल रहा है, कौआ सुबह सुबह मंगरे पे बोल रहा हो कौआ। इसका मतलब है लेवुआ आने वाले हैं या फिर मेहमान आने वाले। ये सब भावनाओं के जुड़ने के सिस्टम पहले के, आपसो वाइब्रेशन से समझ लो, नंबर लग गया तो रिंगटोन से समझ लो कि कोई याद कर रहा है, उठाओ जल्दी से। और आज तो सिस्टम जोड़ा थोड़ा सा सीधा हो गया, नहीं तो भावनाएं जुड़ती हैं। ऐसे गुरु होते थे हजार किलोमीटर दूर बैठ करके भी शिष्य को अपनी अपने संदेश भेज देते थे, आशीर्वाद दे देते थे। ऐसे शिष्य होते थे दूर बैठ करके भी अपने तार जोड़ लेते थे। ऐसे ही ये है कि वाइब्रेशन हो गया, सिंहासन हिल पड़ा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। सज्जनों, सौधर्म इंद्र का तो सिंहासन हिल पड़ा, लेकिन अभी इनके कई सारे देवताओं के आसन अभी तक नहीं हिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का लाभ नहीं ले पा रहे। सब लोग धर्म का लाभ लें। गर्भ कल्याणक महोत्सव पर अपन सभी बैठे हैं और पंच कल्याणक महोत्सव में पहला दिन है गर्भ कल्याणक का। पंच कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष। जीवन में सबसे खास बातें इतनी ही होती हैं और ये पांच बातें अधिकतम होती हैं, और छोटी मोटी घटनाएं ढेर सारी हों। इन पांच का आलम मन लेकर के पूरे जीवन चरित्र को बुना गया। कल्याणक तीर्थंकरों के ही होते हैं। कल्याण तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है, कई सारे महापुरुषों का कल्याण हो जाता है। राम भी मोक्ष पधारे हैं तो सुग्रीव भी मोक्ष गए हैं, तो हनुमान भी मोक्ष गए हैं, तो कई सारे महापुरुष मोक्ष गए हैं, भगवान बने हैं। लेकिन कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं, और उसमें भी भरत ऐरावत में जो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर और महापुरुषों में क्या अंतर है बोले, कल पंडित जी रात को बता भी रहे थे, तीर्थंकर होती थी तीर्थंकर जो तीर्थ करते हैं, तीर्थ की रचना करते हैं। तीर्थ का मतलब घाट, घाट। बड़ी सारी नदी है, इस पार से उस पार उतरना है तो घाट बना देते हैं। भाई यहाँ घाट है, सीढ़ियां हैं, रास्ता है, उस तरफ भी घाट है, सीढ़ियां हैं, रास्ता है, और आराम से उतर के चले जाओ। जो रास्ता जो बना देते हैं वो कहलाते हैं मोक्ष मार्ग का रास्ता जो बना देते हैं वो कहलाते हैं तीर्थंकर। श्रावकों के जीवन का रास्ता, मुनि राजाओं के जीवन का रास्ता तीर्थंकर होती, तीर्थंकर उनके होते हैं पांच कल्याण। वो भी भरत और ऐरावत क्षेत्र वाले, उनके होते हैं पांच कल्याण। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर तो दो और तीन कल्याणक, पांच कल्याणक वहां भी हो सकते हैं, लेकिन वहां दो और तीन कल्याणक वाले भी होते हैं। किसी का गर्भ हो गया, जन्म हो गया, अभी तक कल्याणक नहीं हुआ, क्योंकि पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो तो पांचों कल्याणक हो। पहले तीर्थंकर की प्रकृति पिछले जन्म में बांधी हो, जब वे मुनि अवस्था में थे, फिर स्वर्ग गए और फिर तीर्थंकर हुए, अथवा मनुष्य थे, कदाचित कोई जीव नरक गया और वहां से मनुष्य होकर के तीर्थंकर प्रकृति लेकर के गया था, लेकर के आया, तो पांच कल्याणक होंगे। पहले से सत्ता में पड़ा है ढेर सारा पुण्य तीर्थंकर प्रकृति। और अगर गर्भ हो गया, जन्म हो गया, फिर ख्याल आया, फिर बड़े होकर के ज्ञान आया हुआ कि हमें भी ऐसा छोले कारण भावनाएं भाई, सबका उद्धार किया, और फिर कोई निमित्त बना, तीर्थंकर का पादमूल मिला और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, फिर अब भी मुनि बने,
तो आप इनका दीक्षा कल्याणक होगा, फिर अब केवल ज्ञान कल्याणक होगा और फिर मोक्ष कल्याणक होगा। और विदेह क्षेत्र के मुनिराज हैं और फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो क्या होगा सुरेश जी, दो ही कल्याणक होंगे। मुनि तो ऑलरेडी बन चुके हो अभी तक, आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है छठवें सातवें गुण स्थान में, आप केवल दो कल्याणक होंगे, केवल ज्ञान कल्याणक। और लेकिन यहां जो भी तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र में अरावत पांच कल्याणक, अपन इन पंच कल्याणक महोत्सव को अच्छे से मनाएं और अपने जीवन को भी मंगलमय करें। गर्व कल्याणक है आज हमारे देश में, गर्व कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है, गर्भपात नहीं कराया जाता। सरकार चिल्ला रही है भ्रूण हत्या बंद करो, सोनोग्राफी पर ही जांचें बंद करवाओ, कोई तकलीफ हो दिक्कत हो तो ही जांच करवाओ, और लोग जो हैं लगे हुए पेट में रहने वाले जीव को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, वो परम असहाय है, आपकी ही संतान है, परम असहाय है, कोई रक्षक नहीं है, बहुत छोटी अवस्था में है फिर भी अत्याचार, इसलिए ऐसे काम कभी करना नहीं, बहुत बुरे परिणाम होते हैं। कोई भी जीव आए वो जन्म ले, अपने भाग्य से बड़े पले और पता नहीं कौन क्या बन जाए। चीटी को मारने को भी मना किया है, फिर पंचेंद्री के घात की अनुमोदना कैसे की जा सकती है। इसलिए सज्जनों गर्भ कल्याणक महोत्सव के दिन एक प्रतिज्ञा सब लोगों को करना चाहिए, किसी तरह के गर्भपात नहीं करवाएंगे और न करने वालों की अनुमोदना करेंगे। पता नहीं कौन से भाग्यशाली जीव आएंगे और देश और दुनिया को पता नहीं क्या देके जाएंगे, इसलिए हर जीव का स्वागत। हमारे यहां तो पशु पंछियों की रक्षा की बात करी गई है, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा की बात कही गई है, क्योंकि वो भी चैतन्य आत्मा है, ज्ञान घन प्रभु आत्मा है, इसलिए सब जीवों के मंगल की भावना करें, आपका भी मंगल होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी सुनील सागर जी गुरुदेव की, विराजमान चतुर्विध आचार्य संघ की, अहिंसामय विश्व धर्म की।